हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अशोक द ग्रेट के द्वारा लिखे गए उनके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के इंस्क्रिप्शन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, यानी कि अशोक के द्वारा लिखे गए उनके प्रमुख अभिलेख। द ग्रेट एम्परर अशोक द थर्ड मोनार्च ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अशोक द ग्रेट मौर्य डायनेस्टी के तीसरे शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके बाद उनके बेटे थे बिंदुसार, और उसके बाद जो थर्ड मोनार्च किंग थे यहाँ पर वो थे अशोका द ग्रेट। यहाँ पर इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ब्लडशेड द्वारा ये युद्ध उन्होंने जीता था, और यहाँ पर लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और आगे जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस धर्म को स्प्रेड करने के लिए, उस धर्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी जगह पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करे, और उन विचारों के जरिए वो लोगों तक ना सिर्फ बौद्ध धर्म को फैलाना चाहते थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म में धम्म संघ और ट्रुथफुल पाथ कहा जाता है, यानी कि सच्चाई का मार्ग जो बौद्ध धर्म द्वारा दिखाया गया है, ये सभी फॉलो करे। तो इसके लिए उन्होंने कई इंस्क्रिप्शंस लिखे, यानी कि अभिलेख लिखे। वो अभिलेख इन्होंने शिलाओं पे लिखे, पिलर्स पे लिखे, केव्स में लिखे। तो उन सभी इंस्क्रिप्शंस को अशोक एडिक या फिर अशोक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। शिलालेख, दीज अशोक इंस्क्रिप्शंस आर द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। और ये जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है यही बुद्धिज्म का प्रमाण है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं ये। और अभिलेखों में उन्होंने धर्म के बारे में बताया है, उन्होंने मॉरल ड्यूटीज क्या हैं लोगों की इसके बारे में बताया है, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर इंसान को सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो जो बुद्धिज्म से उन्होंने सीखा, बौद्ध धर्म से जो उन्होंने सीखा, वो उन्होंने अपने इन अभिलेखों में या शिलालेखों में बताया है। तो यहाँ पर टोटल 33 इंस्क्रिप्शन हैं जो कि अशोक द्वारा लिखे गए थे। अलग अलग जगहों पर ये पाए जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज में भी ये पाए गए हैं, जिसमें से मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट हैं, सेपरेट रॉक एडिक्ट हैं, मेजर पिलर एडिक्ट हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, और केव इंस्क्रिप्शन यानी कि गुफा लेख हैं। In the earlier half of his region, the edicts were inscribed on conveniently located rock surface, were distributed in areas of public settlement where people could easily read them. इन्होंने शुरुआत में इसको चट्टानों पर यानी शिलाओं पर लिखना शुरू किया inscriptions को, ताकि लोग इन तक आसानी से पहुंच सकें, इन्हें पढ़ सकें। बाद में इन्होंने उसको pillars पर लिखना शुरू किया। In the latter part of his region, the inscriptions were on well-polished monolithic pillars. पहले तो ये शिलाओं पे लिखे गए, बाद में इन्होंने उसे well-polished monolithic pillars जो थे उन पर लिखा, जैसे कि वाराणसी में भी एक शिला लेख इनका पाया गया है, उस पर उन्होंने ये लेख लिखे। The inscription were composed in the Prakrit language. कुछ inscription इन्होंने प्रकृत भाषा में लिखे, मगधी भाषा में लिखे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के इंस्क्रिप्शंस थे वो इन्होंने खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे और एरेमिक में भी लिखे, ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखे। तो ये इन्होंने विभिन्न भाषाओं में लिखे हैं। इन इंस्क्रिप्शन में इन्होंने धम्म और संघ, जो कि बौद्ध धर्म के दो मेन पिलर्स कहे जाते हैं, धम्म और संघ, उनके बारे में इन्होंने वो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। उसमें इन्होंने बताया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि सच्चाई के क्या नियम हैं, सच्चाई के मार्ग के क्या नियम हैं, ये इन्होंने बौद्ध धर्म से सीखा था और वही इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में बताया है। ये बौद्ध के उपासक थे, बुद्धिस्ट उपासक थे ये, तो इन्होंने उन्हीं के टीचिंग को जो इन्होंने बौद्ध धर्म से सीखा
उससे ही अपने इंस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल, बिलीव्स, इसके बारे में इन्होंने बताया है। बेसिक एट्रीब्यूट क्या है धम्म का? धम्म मतलब यहाँ पर ट्रुथफुलनेस यानी कि सच्चाई, प्योरिटी, जेंटलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर धम्म के द्वारा उन्होंने बताया। वो यहाँ पर गुलाम प्रथा यानी कि स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के खिलाफ थे। उनका कहना यहाँ था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उन्होंने इसके बारे में भी अपने इंस्क्रिप्शंस में बताया। अब यहाँ पर अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर किस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है। तो मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में लिखा गया है एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, यानी कि यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल्स में यहाँ पर कुछ जानवरों की बलि दी जाती है, उस पर यहाँ पर प्रतिबंध हो, ये उन्होंने अपने पहले शिलालेख में बताया है। दूसरे शिलालेख में यहाँ पर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया है कि ह्यूमंस और एनिमल्स का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि पेड़ पौधे, मेडिकल हर्ब्स जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सतपुराज और साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे पांड्याज, उनके बारे में उन्होंने अपने यहाँ दूसरे शिलालेख में बताया है। तीसरे शिलालेख में उन्होंने जेनरोसिटी ऑफ ब्राह्मण्स यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में उन्होंने बताया है, जिन्होंने ब्राह्मण्स ने और प्रेदिशकाज, राजूकाज, जिन्होंने यहाँ पर उनके एम्पायर में धम्म को स्थापित किया, उसके बारे में उन्होंने अपने तीसरे शिलालेख में बताया। चौथे में उन्होंने धम्म घोष और बैरी घोष, यहाँ पर दो चीज़ें आईं, एक तो धम्म घोष थे और एक बैरी घोष। जो धम्म घोष थे वो सतमार्ग को फॉलो करने वाले थे और जो बैरी घोष थे वो यहाँ पर युद्ध नीति को फॉलो करने वाले थे। तो अशोक ने इस इंस्क्रिप्शन में धम्म घोष और बैरी घोष के बारे में बताया है, उसके बीच का अंतर लोगों को समझाया है और उन्हें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। पाँचवें शिलालेख में उन्होंने धम्म महामंत्रा टॉक अबाउट ट्रीटिंग स्लेव्स राइट, यहाँ पर उन्होंने गुलामों के अधिकारों के बारे में बताया, जैसे कि वो यहाँ पर ऐसे पहले शासक थे जो कि गुलाम प्रथा के खिलाफ हुए और ये सब वो कलिंग युद्ध के बाद ही हुए, तो यहाँ पर वो पहले ऐसे शासक थे जो कि गुलाम प्रथा के खिलाफ थे, तो उन्होंने यहाँ पर गुलामों के अधिकारों के बारे में बताया है। सिक्स्थ रॉक एडिक्ट में उन्होंने बताया किंग डिजायर टू नो अबाउट हिज पीपल्स कंडीशन, यानी कि जो राजा है उसे अपनी प्रजा के बारे में सभी जानकारियाँ होनी चाहिए, वो किस परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रही है उसकी प्रजा, ये एक राजा को जानना चाहिए, तो उन्होंने अपने इस शिलालेख में इसके बारे में बताया। सातवें शिलालेख में उन्होंने बताया है टॉलरेंस अबाउट टुवर्ड्स रिलीजन अमंग ऑल सेक्स एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर द पब्लिक इन हिज हेज वेल एंड नेबरिंग किंगडम्स, यानी कि हर धर्म के लिए धैर्य की जरूरत होती है, धर्म कोई सा भी हो पर सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाना चाहिए, ये अशोक का कहना था, चाहे वो उनके किंगडम का हो या फिर किसी दूसरे किंगडम का। आठवें शिलालेख में उन्होंने अशोक फर्स्ट विजिट टू बौद्ध गया एंड बौद्ध ट्री, यानी कि जब वो पहले बौद्ध गया, पहली बार गए थे, बौद्ध गया वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने शिक्षा ली थी, उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर वो बौद्ध गया के बारे में उन्होंने बताया है। और बौद्ध ट्री वो ट्री है जहाँ से गौतम बुद्ध को, जिसके नीचे बैठने से उन्हें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली यात्रा बौद्ध गया और बौद्ध ट्री के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो जब धम्म टूर पर निकले थे किस तरीके से उन्होंने धम्म यात्रा की, किस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बारे में उन्होंने अपने शिलालेख में बताया, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने पॉपुलर सेरेमनीज स्ट्रेसेस ऑन मॉरल कंडक्ट, यानी कि मॉरल कंडक्ट क्या है, इसके बारे में बताया। दसवें शिलालेख में उन्होंने बताया डिसअप्रूव्स ऑफ द इंडिविजुअल डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेसेस ऑन धम्म, यानी यहाँ पर फेम, प्रसिद्धि और ग्लोरी के पीछे किस तरीके से इंसान हमेशा भागता रहता है, वो उन्होंने बताया है। इसके बाद धम्म इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो विच इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कंसर्न फॉर स्लेव्स, यहाँ पर उन्होंने अपने 11वें शिलालेख में ये बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जिन लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके प्रति भी हमें यहाँ
उन्हें भी इज्जत देनी चाहिए। तो यहाँ पर अशोक का ये कहना है कि यहाँ गुलाम प्रथा अंत होना चाहिए इसका, और इसे कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना ये भी था कि जो धम्म है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि ये हमें लोगों की इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो स्लेव्स ही क्यों ना हो, गुलाम ही क्यों ना हो, सर्वेंट ही क्यों ना हो। इसके बाद के शिलालेख में उन्होंने महामठास, वुमेन्स वेलफेयर, टॉलरेंस टुवर्ड द धम्म ऑफ अदर्स, यानी कि उन्होंने ये भी इसमें उन्होंने महिलाओं के वेलफेयर के बारे में बताया है। थर्टींथ रॉक एडिक्ट में उन्होंने ये बताया है कि उनकी किस तरीके से कलिंग युद्ध में विजय हुई थी, विक्ट्री ओवर कलिंग। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर धम्म अपना लिया, यानी उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म अपना लिया, और भी किन किन जगहों पर उनकी विजय हुई थी। इसके बाद उन्होंने ग्रीक किंग के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी वो भी बताया है। टॉलमी ऑफ इजिप्ट के बारे में भी उन्होंने यहाँ बताया है। मेगास, साइरिनी, मका, एंटिगनस ऑफ मैसीडोन जो कि अम्तिकिनी, इनके बारे में बताया। अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस के बारे में बताया। ऑल्सो मैंशन पांड्याज एंड चोलाज, यानी उन्होंने अपने इस अभिलेख में, शिलालेख में, अपने कलिंग युद्ध किस्से लेकर कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताया जिनसे वो मिले या जिनके साथ उनका युद्ध हुआ। 13 रॉक एडिक्ट विच वॉज इशूड एट द एंड ऑफ द कलिंग वार, ये 13 रॉक एडिक्ट है जो कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने लिखा था, जब उन्होंने पहले वो बहुत ही अग्रेसिव और वायलेंट नेचर थे, यानी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति थी अशोक की, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाते ही उनमें परिवर्तन आया और उन्होंने ये भावना छोड़ दी थी, वो बिल्कुल भी वायलेंट अग्रेसिव नहीं रह गए थे। इसके बाद ही उन्होंने 13वां शिलालेख लिखा था। 14 शिलालेख में उन्होंने पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट लिखा है, मतलब उन्होंने अपने 14 रॉक एडिक्ट में ये बताया है कि रॉक एडिक्ट का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, वो इन्होंने यहाँ दर्शाया है। इसके बाद आते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड ऑन 15 रॉक्स अक्रॉस द कंट्री एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो। 15 जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं ये पूरी कंट्री में पाए गए हैं और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। ये इनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे माइनर रॉक एडिक्ट हैं जिसपे अशोक ने अपना नाम मेंशन किया है, यानी उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ही लिखे गए हैं, ये उन्होंने मेंशन किया है। तो उसमें से है एक मास्की, दूसरा है ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, और तीसरा है गुजारा जो कि एमपी में है, और चौथा है नेतूर अरुणाचल प्रदेश में। इसमें उन्होंने अपने नाम को भी यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद आते हैं पिलर एडिक्स यानी कि स्तंभ लेख। अब यहाँ पर अशोक ने 7 स्तंभ लेख लिखे हैं। 2 टाइप ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड, और यहाँ पर उस स्तंभ लेख में 2 तरह के पत्थर यूज किए गए हैं। एक तो स्पॉटेड वाइट सैंडस्टोन यूज किया गया है, दूसरा बफ कलर्ड सैंडस्टोन यहाँ पर यूज किया गया जो कि अमरावती से लिया गया था। यहाँ पर एक अच्छे पत्थर का चुनाव उन्होंने किया है। दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन कॉल्ड फ्रॉम चुनार एंड दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म एंड डायमेंशन, जो कि बिल्कुल सेम फॉर्म और डायमेंशन से बने होते थे, उनको यहाँ पर इन्होंने यूज किया था। ये जो पिलर्स थे ये मोनोलिथिक थे, यानी कि ये पत्थर के बने हुए थे, ये कोई खुरदुरी सरफेस के नहीं थे, जिगजैग पोजिशन में नहीं थे, ये जो सरफेस पे बनाए गए थे ये वेल पॉलिश्ड सरफेस थी। और ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ये कंदाहार अफगानिस्तान में पाए गए हैं, खाइफर पाकिस्तान, दिल्ली, वैशाली, चंपारण जो कि बिहार में है, सारनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश, और सांची, सांची का जो स्तूप है वो भी अशोक द्वारा बनवाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये जो पिलर्स हैं ये इन जगहों पर पाए गए हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम एडिक्शन फाउंड इन डिफरेंट प्लेस, यानी वो लगभग सिमिलर हैं पर वो अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं। मैनी पिलर्स आर एज हाई एज 50 feet, और ये 50 feet तक लंबे हैं और इनका जो वेट है 50 tons है। सिलेंड्रिकल शेफ टेपर्स, यानी कुछ पिलर्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेंड्रिकल शेप है। तो टोटल 7 पिलर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द बेल कैपिटल विच सपोर्ट द क्राउंड एनिमल, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो एबिकस शेप का है और जो टॉप है वो उसमें वो बेल कैपिटल शेप का है। द पिलर डिपिक्ट्स एनिमल सच एज एलिफेंट, लॉयंस, व्हील्स, लोटस विच आर ऑल सिग्निफिकेंट सिंबल इन बुद्धिज्म। अब यहाँ पर अगर हम अभी हमने रॉक एडिक्ट की बात की थी, अब हम यहाँ पर पिलर की बात कर रहे हैं यानी कि स्तंभ लेख की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्तंभ की जब बात की जा रही है तो जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन स्तंभ पे लिखे हैं
उनमें ज़्यादातर यहाँ पर कुछ एनिमल्स का उन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि एलिफेंट है, लॉयन है, व्हील है, लोटस है, इन सभी तरह की चीज़ों का उन्होंने अपनी शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में इस्तेमाल किया है। और ये जो सिंबल्स हैं ये सभी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। द मैजेस्टिक पिलर एडिक्ट हैव बीन फाउंड एट टोपरा। जो मैजेस्टिक पिलर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? रामपुरवा, निगाली सागर, लौरिया अराराज, लौरिया, नंदनगढ़, सारनाथ, मेरठ, फिरोज शाह तुगलक शिफ्टेड पिलर्स, वन फ्रॉम टोपरा एंड अदर फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ पिलर्स को शिफ्ट किया, जैसे कि उन्होंने टोपरा से यहाँ पर शिफ्ट किया था और मेरठ टू दिल्ली, यानी मेरठ का जो पिलर था वो उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अब उन 7 पिलर्स में क्या क्या उन्होंने किया ये हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पिलर में उन्होंने अशोक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, यानी उन्होंने यहाँ पर अशोक के खुद के सिद्धांतों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो लोगों की मदद किया करते थे। सेकंड उन्होंने बताया डिफाइंस धम्म एज अ मिनिमम ऑफ सिंस मेनी वर्च्यूज कंपैशन लिबर्टी ट्रुथफुलनेस एंड प्योरिटी। यहाँ पर उन्होंने धम्म को डिफाइन किया है कि धम्म क्या है, एक ट्रुथफुलनेस, एक सच्चाई, एक प्योरिटी, एक लिबर्टी की भावना है, ये उन्होंने बताया है। थर्ड में उन्होंने बताया अवॉइडिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रुएल्टी, हार्शनेस, प्राइड, एंगर अमंग हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें यहाँ पे क्रूरता, गुस्सा, घमंड, इन सभी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। फोर्थ में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजूकास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया है। फिफ्थ में उन्होंने बताया लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज, यानी यहाँ पर उन्होंने उन जानवर और पक्षियों के बारे में बताया जिन्हें मार दिया जाता था। अनदर लिस्ट मेंशन एनिमल्स दैट शुड नेवर बी किल्ड, और उन लोगों के बारे उन जानवरों के बारे में भी बताया जिन्हें नहीं मारा जाता। डिस्क्राइब रिलीज ऑफ 25 प्रिजनर्स, दिस पिलर एडिक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली टोपरा पिलर। यहाँ पर उन्होंने 25 कैदियों के बारे में भी बताया है जिन्हें उन्होंने रिलीज कर दिया था, यानी कि उन्होंने यहाँ पर क्योंकि वो उनका यहाँ पर हृदय परिवर्तन हुआ था और इसके बाद वो अच्छे हो गए थे तो उन्होंने यहाँ पर जो कैदी थे उन्हें छोड़ दिया था। तो 25 कैदियों को जिन्होंने रिलीज किया था उसे भी बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिक्ट है, फिफ्थ पिलर एडिक्ट, जिसमें जिसे दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट कहा जाता है। सिक्स्थ में उन्होंने धम्म पॉलिसी ऑफ स्टेट वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, यानी कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने धम्म पॉलिसी किस तरीके से अपनाई इसके बारे में बताया। सेवेंथ पिलर एडिक्ट में उन्होंने बताया है अशोकास वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्म, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्स, ऑल्सो अबाउट धम्म महामठास। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने यहाँ धम्म को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्स, यानी सभी धर्मों की यहाँ पर उन्होंने रिस्पेक्ट की, वो उन्होंने बताया। अदर रेलिवेंट इंस्क्रिप्शन एंड इम्पॉर्टेंट एडिक्ट, तो यहाँ हमने 7 पिलर्स देख लिए, 14 मेजर रॉक एडिक्ट देख लिए। अब यहाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि यहाँ पर एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इसमें उन्होंने कौसम, क्वीन एडिक्स, कौसम्बी, आस्क द मेंबर्स ऑफ संघ टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग डिविजन इन द रैंक, यानी कि यहाँ पर उन्होंने समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन भी हैं यहाँ पर ऑन दिस एडिक्ट इटसेल्फ। जहांगीर शिफ्टेड इट फॉर्ट एट इलाहाबाद, अब यहाँ पर इलाहाबाद में इसे जहांगीर द्वारा शिफ्ट किया गया था। तो इसमें यहाँ पर क्वीन एडिक्ट्स हैं, कॉस्मोग्री, कौसम्बीर, कोसम और संघ के जो मेंबर्स थे उनके बारे में बताया गया। यहाँ पर कंधार इंस्क्रिप्शन है, ये फेमस है बायलिंगुअल एडिक्ट इन ग्रीक एंड अरेबिक, यानी कि बायलिंगुअल यानी दो भाषाओं में लिखा गया है कंधार इंस्क्रिप्शन, एक ग्रीक भाषा में लिखा गया है, एक अरेबिक भाषा में लिखा गया है। कलिंग एडिक्ट है, भोली एंड जोगाड़ा मेंशंस ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, यहाँ पर उन्होंने कलिंग एडिक्ट में ये बताया है कि सभी जो हैं वो उनके अपने हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर कलिंग युद्ध के बारे में उन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। सनाती इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में जो है, साइट ऑफ ऑल 14 मेजर एडिक्ट एज वेल एज 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट, इस जो सनाती इंस्क्रिप्शन है उसमें वो 14 मेजर रॉक एडिक्ट जो हम जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा वो भी इसके अंदर आते हैं, और इसके अलावा जो कलिंग एडिक्ट है, 2 कलिंग एडिक्ट भी उनके द्वारा लिखे गए हैं, वो भी सनाती इंस्क्रिप्शन में आते हैं। इसके बाद
रुमिंदेल इंस्क्रिप्शन, ये नेपाल में पाया गया है। रुमिंदेल इंस्क्रिप्शन जो है वो नेपाल में पाया गया। इट मेंशन दैट द विलेज ऑफ लुम्बिनी, लुम्बिनी था बर्थ प्लेस गौतम बुद्ध का, और बौद्ध गया में उनकी, उन्होंने यहाँ पर बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो यहाँ पर उन्होंने लुम्बिनी के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था, उसके बारे में बताया है। एंड बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम बाली एंड वॉज टू पे ओनली 1/8 ऑफ द भाव, यहाँ पर उन्होंने बाली के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन है रुमिंदे इंस्क्रिप्शन, ये नेपाल में पाया जाता है। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है एक ऑफ रुद्र दमन, ये मेंशन द सुदर्शन लेक, यहाँ पर सुदर्शन लेक जो है बनवाया गया था उसके बारे में बताया गया। उसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, पुष्यगुप्त ने करवाया था। और यहाँ पर सौराष्ट्र ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रीजन, यहाँ सौराष्ट्र के बारे में भी बताया गया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। तो ये गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन इसे बोला जाता है। इसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट, अभी हमने मेजर रॉक एडिक्ट देखे थे, अब माइनर रॉक एडिक्ट पहले में इंडिकेट दैट अशोक टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म ग्रेजुअली आफ्टर 2 ईयर्स इन पावर। अब यहाँ पर उन्होंने अशोक किस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं इसके बारे में बताया। दूसरे माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक ग्रीक संघ प्रोफेसेस हिज डीप फेथ इन द बुद्ध, धम्म संघ ऑल्सो रिकमेंड 6 बुद्धिस्ट टेक फॉर मॉन्क नंस एंड जनरल लेडी। यहाँ पर तीसरे रॉक एडिक्ट में उन्होंने ये बताया है कि अशोक ने किस तरीके से बौद्ध धर्म में अपना विश्वास जमाया और बौद्ध धम्म और संघ का उन्होंने पूरे दुनिया में यहाँ पर प्रचार किया। वो एक मॉन्क बन गए थे, मतलब एक तपस्वी साधु बन गए थे बौद्ध धर्म के। इंस्क्रिप्शन एट शाहबाजगरी एंड मनसेहरा रिटर्न इन खरोष्टी स्थित, अब यहाँ पर शाहबाजगरी और मनसेहरा में जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर अशोक इंस्क्रिप्शन यानी कि एक अंश है जो कि उनके मेजर रॉक एडिक्ट 6 में से लिया गया है। उन्होंने ये बताया है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड स्पीक, यानी कि वो खुद को ये समझते थे कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे और इसका प्रचार वो आगे दुनिया में करते हैं तो बहुत कुछ इस दुनिया में सुधर सकता है, ऐसा वो मानते थे। तो उनका ये कहना था कि बिलव्ड ऑफ द गॉड स्पीक्स, भगवान का ये कहना है कि हम यहाँ पर बुराइयों को त्याग दें और यहाँ धम्म की स्थापना की जाए। हाउ कैन द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल बी सिक्योर, यानी लोगों की खुशियाँ और उनका वेलफेयर हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ये उनने कहा। And I give my attention to my relatives, to those dwelling far, so I can lead them to happiness, and then I act accordingly. उन्होंने ये कहा कि मैं उन सभी लोगों की रक्षा करूँगा, उन सभी लोगों को घर प्रदान करूँगा जो कि मुश्किल में है या जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास समस्याएँ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। और हम सभी को भी यही करना चाहिए। ये एक रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये सद्भावना है और ये सतमार्ग है, ऐसा अशोक का कहना था। तो ये उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और एक ये छोटा सा एक एग्जर्प्ट है, यानी कि कोई एक छोटा सा अंश है उनके मेजर रॉक एडिक्ट का। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन उनका है जो कि है सारनाथ लॉयन कैपिटल, ये भी अशोक के एक इंस्क्रिप्शन में से है। ये वाराणसी में है, नियर वाराणसी वॉज बिल्ट बाय अशोक इन कॉमेमोरेशन ऑफ अ धम्म चक्र प्रवर्तन। अब ये उन्होंने किस उसमें बनाया था, तो ये फर्स्ट सरमन थे बुद्ध के और धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने इसे नाम दिया था। ये सारनाथ के स्तंभ हैं जो कि अशोक द्वारा बनाए गए थे। इन्हें नेशनल एम्बलम बनाया गया आगे चलकर, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम सारनाथ लॉयन कैपिटल। और ये एम्बलम कहाँ से लिए गए हैं, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यानी अशोक द्वारा ये बनाए गए थे, सारनाथ के कैपिटल से ही, लॉयन कैपिटल से लिए गए हैं। अब इन द ओरिजिनल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। तो इसमें यहाँ पर 4 लॉयंस हैं, यहाँ पर 4 लॉयंस हैं, बट फ्रंट साइड में 3 ही लॉयंस यहाँ पर दिखते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लॉयंस हैं, एक बैक साइड में भी होता है। तो टोटल यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है इसमें 4 लॉयंस हैं,
बट फ्रंट साइड में आप तीन देखते हैं और एक बैक साइड में भी है। इसके बाद इसमें चार एनिमल्स भी हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो ही एनिमल्स दिखेंगे, जबकि दो इसके बैक साइड में भी हैं। यहाँ फोर आपके एनिमल्स हैं, एक है एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन। एक व्हील बना हुआ है और एक बेल शेप लोटस भी है इसमें। कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन का ये बना है। द कैपिटल इज क्रोन्ड बाय द व्हील्स ऑफ द लॉ। और जो यहाँ पर इसमें व्हील बना हुआ है उसको यहाँ पर धर्म चक्र कहा गया है। अशोक के द्वारा इसे धर्म चक्र कहा गया है। इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था। द व्हील अपियर इन रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द बेकर्स विद अ बुल ऑन द राइट एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट। इसके लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में हॉर्स बना है और राइट साइड में बुल है, और पीछे दो और एनिमल्स हैं, एलिफेंट एंड लायन। द बेल शेप्ड लोटस हैज बीन ओमिटेड, और एक बेल शेप्ड लोटस भी यहाँ पर बना हुआ है। द वर्ड सत्यमेव जयते, अब यहाँ पर नीचे देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है, तो इस वर्ड को मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारनाथ से लिया गया है लायन कैपिटल, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। और ये आज इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, जिसे 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। इस पर सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि मुंडोक उपनिषद द्वारा लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप। और ये थे अशोक द्वारा लिखे गए उनके इंस्क्रिप्शंस। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ, जो कि अशोक द्वारा लिखा गया है। दूसरे धर्मों की निंदा करना गलत है। सच्चा व्यक्ति वह है जो धर्मों की भी हर उस बात का सम्मान करता है जो सम्मान के लायक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।